बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ रूलर है, ऐसा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है। आज किसी को चींटी भी काट ले तो लिबरल्स कहेंगे कि मोदी के अंडर संविधान खतरे में है। लेकिन जहां संविधान की धज्जियां उड़ती आ रही है वहां का क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ममता बनर्जी सरकार पर बंगाल विधानसभा इलेक्शन के परिणामों के बाद पिछले कुछ महीनों से अपने हजारों नागरिकों की हत्या, बलात्कार, विस्थापन और धमकी आदि का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की और अधिक तैनाती की सिफारिश की है। आरोपियों और संदिग्धों में 123 राजनीतिक नेताओं का नाम सामने आया, जिनमें से ममता बनर्जी का एक इलेक्शन एजेंट और कई तृणमूल नेता शामिल हैं। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें कुख्यात अपराधी यानी कि गुंडे बतलाया है। एनएचआरसी ने यह भी बताया कि बहुत कम गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन बड़े पैमाने में हिंसा हुई है। करीब 9304 अपराधी हैं जिन पर एफआईआर हुई थी, उसमें से 14% अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से भी 80% यानी कि 80% बेल पर बाहर हैं। ओवरऑल स्पीकिंग, लेस देन 3% ऑफ द अक्यूज्ड आर इन जेल, व्हाइल 97% आर आउट इन द ओपन, मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द होल सिस्टम। ये है एनएचआरसी की रिपोर्ट से। आगे लिखा है, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट पुलिस डू नॉट हैव द करेज टू टेक एक्शन अगेंस्ट लूमिंग गोन्स बिलोंगिंग टू द रूलिंग डिस्पेंसेशन। यानी हिंसा के 97% अक्यूज्ड खुली हवा में बाहर टहल रहे हैं और पुलिस की हिम्मत नहीं उन्हें रोक ले क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एनएचआरसी की टीम जब बंगाल में थी तब वहां उन्हें हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़ और बर्बरता से संबंधित बड़ी संख्या में मामलों की जानकारियां स्थानीय स्रोतों से पता चलती थी। खेला होबे का नारा लगाते हुए जो लोग खून का खेला हुआ वो सबने देखा, इनफैक्ट मीडिया वालों ने भी देखा, लेकिन वो चुप रहे। अब एनएचआरसी भी वही बात दोहरा रही है जो हमने वीडियोस में देखी थी, लेकिन अब भी मीडिया ममता बनर्जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करता? साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, यानी कि आप चुप है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा चलता आ रहा था और चलता आएगा। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, पॉलिटिकल वायलेंस, दादागिरी या यूं कहें कि दीदीगिरी, इन सब के बाद भी हमारे बुद्धिजीवी चुप हैं। हाँ, जब उनका मुंह खुलता है तो वो भी ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने के सुझावों के लिए खुलता है। क्या यही हमारे लिबरल्स, हमारे बुद्धिजीवियों की आइडियल पीएम कैंडिडेट है? क्या ये लोग ऐसा खेला पूरे देश में देखना चाहेंगे?